Hello everyone, this is Pooja and you are most welcome in your YouTube channel. So, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11 से. ठीक है, देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं, यह है स्कूल और यह है एक बच्चे का हाउस. ठीक है, उसके बीच की डिस्टेंस दी गई है. ठीक है, वन साइड की डिस्टेंस दे दी 1 किलोमीटर 875 मीटर. ठीक है, और कहते हैं कि वह जो स्टूडेंट है स्कूल में आती है और घर वापस जाती है. ठीक है, इस तरह से उसकी टोटल 6 डेज में वो कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर करती है. ठीक है, ये बताना है. सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया. कहते हैं कि एक साइड की जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर और 875 मीटर. अच्छा, एक साइड की इतनी है तो दोनों तरफ कितनी हो जाएगी, 1875. इन दोनों को अगर आने और जाने की डिस्टेंस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कि एक दिन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, 5 5 10 7 7 14 और 1 15 और कैरी 1 8 8 16 और 17 कैरी 1 और 3. मीन्स एक दिन में वह 3 किलोमीटर और 750 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करती है एक दिन में. ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे इसकी लैंग्वेज. देखो, डिस्टेंस ऑफ वन डे. ठीक है, एक दिन की डिस्टेंस कवर बाय हर इज, एक दिन की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर और 875 मीटर दिया है. ये है आने की और जाने का भी इतना ही है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 3750 मीटर. ठीक है, 3 किलोमीटर और 750 मीटर. ठीक है, अब बताना है कि ये छह दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी. ठीक है, तो 6 दिन की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ 6 डेज. अगर एक दिन में इतनी डिस्टेंस कवर करे तो 6 दिन में कितने करेगी, मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, इस नंबर को 3750 को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6. ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखना है, ये हमारी आ जाएगी 6 दिन की डिस्टेंस, 3750 मल्टीप्लाइड बाय 6. ठीक है, अगर आपको इसको पॉइंट में नहीं करना, इसको पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. ठीक है, तो इसको हम यही मीटर बना देंगे. तो क्या करेंगे, ये हमारा दिया गया है कितना, किलोमीटर मीटर दिया गया है. ठीक है, हमें पता है टोटल जो डिस्टेंस है हमारी, यही चेंज कर देंगे इसको, 3 किलोमीटर. 3 किलोमीटर मतलब मीटर कितने हो जाएंगे, 3000. ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3000 मीटर और प्लस ये है 750 मीटर. दोनों यूनिट मीटर में हो गई ना, दोनों यूनिट मीटर में हो गई, तो हम इसको टोटल यूनिट आ जाएंगे हमारी 3750 मीटर. ठीक है, अब इस नंबर को टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3750 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. ठीक है, 6 दिन के निकालने हैं, 6 दिन के निकालने के लिए 6 से करेंगे मल्टीप्लाई. 6 से मल्टीप्लाई करो 0, 6 के 5 से करेंगे 3, कैरी 3, 6 सेवन जो 42 प्लस 3 45 कैरी 4, 6 3 जो 18 और 2 22. तो ये हो जाएगी इतने डिस्टेंस. ठीक है, 6 दिन की डिस्टेंस हो जाएगी 22,500 मीटर. अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना है, डिस्टेंस इन किलोमीटर. ठीक है, तो डिस्टेंस को अगर हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो कैसे निकालेंगे, 22500, ये तो है मीटर, मीटर को लेके ना किलोमीटर में, तो क्या करेंगे, 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, तो इसको बनाना है मीटर से किलोमीटर में, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000. ठीक है, 2020 कैंसिल, ये हो जाएगा 22 किलोमीटर एंड 5 मीटर या 500 मीटर. ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 12 में
A vessel has 4 liter and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? Okay? कहते हैं कि एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है, ये जो बर्तन है ये है 4 लीटर और 500 ml का, ठीक है। आपको इस टोटल कर्ड में, ये कर्ड, इसमें कर्ड है, दही का एक बर्तन है, 4 लीटर 500 ml जो इसमें आती है दही, ठीक है। लेकिन आपको इस टोटल दही में से आपको छोटे ग्लासेस भरने हैं, और वो ग्लासेस कितने होंगे, 25 ml के, ठीक है। कितने ग्लासेस भरे जाएंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या समझ में आया सेंसेस की? टोटल में से हमारे पास इतनी दही है, इस दही को डिवाइड करना है किसे, 25 ml के बर्तन में कितने भरे जाएंगे, ठीक है। डिवाइड बांटना है ना, तो डिवाइड करेंगे इसको किसे, 25 ml से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे करेंगे इसको सॉल्व। टोटल कर्ड इन ए वेसल कितनी है, टोटल कर्ड एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है, 4 लीटर और 500 ml है, ठीक है। इसको हम यहीं से कन्वर्ट कर देते हैं सीधा ही ml में ही, क्योंकि ml के ही निकालने हैं हमें, मिलीलीटर के ही निकालने हैं कितने ग्लासेस जो है वो फिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है 1 लीटर में 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो हमारे पास है कितना यूनिट, लीटर कितना है, 4 लीटर है, ठीक है। तो 4 लीटर में ml कितने हो जाएंगे, 4000, प्लस कितना दिया गया एक्स्ट्रा, 500 ml, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4500 ml कर्ड है वो टोटल है आपकी इस बर्तन में, ठीक है। ग्लासेस टू फिल, ग्लास टू बी फिल्ड, कितने ग्लास, कितने उसका है कैपेसिटी, कितनी है ग्लास की जो भरना है, वो है 25, ठीक है, 25 ml है, ठीक है। टोटल ग्लास, टोटल ग्लासेस टू बी फिल्ड, टोटल ग्लासेस यहाँ हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास, क्योंकि इसमें कैपेसिटी दी गई है, तो यहाँ हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास, ठीक है, ए ग्लास की कैपेसिटी दी गई है, ठीक है। टोटल ग्लासेस टू बी फिल्ड, टोटल ग्लास कितने भरने हैं ये हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल जो कोई भी किसी भी चीज़ की अमाउंट हो सकती है, यहाँ पे हमारे कार्ड दिया गया है 4500 ml जो है आपके पास दही है, ठीक है, उसको बर्तन भरने हैं, 25-25 ml के कितने बर्तन भरे जाएंगे, मतलब बांटना है, डिवाइड करना है, तो हमें पता चल गया इसकी सेंस क्या कह रहे हैं, इसको डिवाइड करना है, कितने बर्तन हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 25, जो भी आंसर आता है वही आएगा हमारा बर्तन जितने भरे जाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसको डिवाइड करके देखते हैं, एक साइड में 45 को 25 से डिवाइड करेंगे, 1 पे 0 टू 0 25 8 जाए 200 10 ऊपर, तो कितने बर्तन हो जाएंगे, 180 बर्तन हो जाएंगे, ठीक है। कितने ग्लासेस जो है वो भरे जाएंगे, टोटल 180 ग्लासेस, यहाँ लिखो 180 ग्लासेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 1.2 इज कंप्लीट, ठीक है। So, thank you guys.